मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 3:30 बजे पहुंचे गुलाची का। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरपाल सिंह की माता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे मुख्यमंत्री। विधायक कुलवंत बाजीगर के निवास पर मुख्यमंत्री ने की प्रेस वार्ता। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के किए गए कड़े इंतजाम। प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात की गई तो मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि गुहलाचिका में मेडिकल कॉलेज की टीम वह सब डिपो के डिमांड मेरे सामने आई है जिसको हम हर हाल में पूरा करेंगे। और यही नहीं, हम पूरे हरियाणा में जहां जहां भी किसी चीज की कमी है वहां पूरी करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। चीका में बन रही 4 लेन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जब पूछा कि आपने कहा था कि हमारे द्वारा बनाई गई सड़कें 3 साल नहीं टूटेंगी, लेकिन मात्र गुलाचिका ने बनाई गई सड़क 1 हफ्ते में ही टूटनी शुरू हो गई। इन सवालों से कन्नी काटते हुए जवाब दिया कि अगर आप इसकी कंप्लेंट करते हो तो मैं इसकी कार्यवाही करने के लिए तैयार हूँ। सर, गुलाचिका में विकास कार्यों को लेकर के काफी लोगों में खुशी है, आपके मेडिकल कॉलेज की डिमांड है लोगों की और सब डिपो की मांग है, उसके बारे में आप क्या कहना है? हम सारे हरियाणा में जो जो भी बातें हमारे सामने आ रही हैं एक एक करके सब पूरा कर रहे हैं। हर विधानसभा में हमारा विकास कार्य हो रहे हैं, पूरा हरियाणा, हरियाणा एक, हरियाणा में एक कर्ज को लेकर के सब जिलों में सब विधानसभाओं में बराबर विकास हो रहा है। जितने भी नई डिमांड्स आ रही हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको भी बारी बारी सबको पूरा करेंगे। हरियाणा में हमने 22 मेडिकल कॉलेज खोलने का अपना टारगेट तय किया हुआ है, जिसमें से अभी 4 मेडिकल कॉलेज अनाउंस होने अभी बाकी हैं। अभी जिला केंद्रों के ऊपर पहले सब जगह खुलेंगे, उसके बाद सर आपने कहा था कि भाजपा राज में बनने वाली सड़कें 3 साल चलेंगी, परंतु 3 दिन भी नहीं चल रही गुलाचिका की सड़कें। ऐसी कोई भी सड़क की शिकायत आप देंगे तो मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगा, विजिलेंस इंक्वायरी। सर और भर्तियां कर रहे हैं, लगभग 50,000 लोगों की भर्तियों के लिए हमने आवेदन यानी मांगे थे, जिसमें से 24,000 भर्तियां हो चुकी हैं, बाकी पाइपलाइन में, और जल्दी हर एक भर्ती पूरी। सर